सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, डार्क सर्वाइवल द वुल्फ का, आर्क प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल का। सो गाइस, आर्क प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल के पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने हमारे बेस को एक्सपैंड करने के साथ साथ जो यहाँ पे ओमेगा वाला वाइब्रन है उसको भी पकड़ा था, ताकि गाइस वो हम लोग को जो ना गाइस यहाँ पे अंडे दे सके। और गाइस अभी आज के इस एपिसोड में भाई ओमेगा वाले वाइब्रन ने तो भाई दबा के अंडे दे शंडे जो ना गाइस यहाँ पे दिए। और हम लोग जो है ना गाइस आज के इस एपिसोड में क्या करने वाले बताए, हमारे पास ओमेगा अंडे, हमारे पास जो ना सारी चीजें गई जो हम लोग को चाहिए थी। और आज के इस एपिसोड में फाइनली हम लोग डिमोनिक और सिलेस्टियल वाले जो क्रिएचर है उनको पकड़ने का काम करने वाले। बाकी जो आज का एपिसोड है ना गाइस, वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो ना गाइस वो जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गाइस आपको गेमिंग विद एनी और हमारे व्लॉगिंग चैनल की, सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइस वन लॉग है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने तो नीचे निट्राडो का लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो, तो जरूर चेकआउट कर लेना गाइस निट्राडो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज का ये वाला जो एपिसोड है आर्क प्राइमल फियर और आर्क इटर्नल का वो शुरू कर डालते और मचा डालते गाइस एकदम फुल टू द भाई। तो गाइस अभी सबसे पहले ना रुको, मैंने अभी जस्ट वाइब्रन को क्रायो करा है क्योंकि मैं उसको जो ना पहले नीचे रखा हुआ था, अभी मैं इसको जो ना गाइस ऊपर रखूंगा। यहाँ पे हमारे जो सारे फ्लायर्स होंगे ना गाइस वो हम लोग भाई रखेंगे, तो इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एंड अपना थॉर कहाँ पे, थॉर 2.0 उसको भी गाइस मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है थॉर। अच्छा नहीं, इन दोनों की तो ज़रूरत पड़ती है ना हम लोग को ट्रैवलिंग के लिए और नॉकआउट करने के लिए डायनोस को, सो इनको रखने देते हैं भाई अभी यहाँ पे अपने इन्वेंट्री में रहने देते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पे अभी सबसे पहले तो मुझे इन लोग के लिए ना फीडर लगाने दो यार, बेचारे भाई भूखे होंगे बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए जो ना गाइस इन लोग के लिए भाई फीडर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट से। गाइस रुको, मुझे इसके अंदर थोड़ा मीट भी डालना पड़ेगा और बेरी बेरी डालनी पड़ेगी। बेरी के लिए, बेरी इकट्ठा करने के लिए कौन मशॉप है ना भाई अपना, भाई मशॉप से बेरी इकट्ठा कर लेंगे, डरे है क्या गाइस। चलो आ जाओ भाई, हेलो मशॉप सर, चलो लेट्स गो, लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। ये क्या चीज़ है भाई, इटर्नल रोबोट देरी भाई, रुक जाओ भाई, रुको गाइस, इटर्नल रोबोट तेरी दिख रहा है मुझे सामने की तरफ। हाँ तो इसको चलो जरा सा चल के भाई चुम्मी दे देते, टेम कर लेते भाई फटाफट से, अपना एनाकोंडा है ना गाइस उसकी मदद से भाई इसको नॉकआउट करेंगे। रुको भाई, रोबोट तेरी मुझे लग रहा है रोबोट तेरी जो ना गाइस यहाँ पे खतरनाक वाली कुछ चीज़ें हार्वेस्ट कर सकता है गाइस, ठीक है। अरे भाई क्या भाई, भाई मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है भाई, मार रहा है भाई, हेलो हेलो ए शेमड़े, ये ले पट्टे से भाई, ये ले पट्टे से हेडशॉट भाई, 2000 का डैमेज पड़ रहा है भाई इसको, 2000 का डैमेज पड़ रहा है, टॉरपोर्ट भी तगड़ा चढ़ रहा है। थेरी से बच गए क्योंकि थेरी जो ना क्या जो राइडर को उड़ा देते हैं, पता है आपको, ये राइडर को उड़ा देते हैं भाई अपने नाखूनों से गाइस, ठीक है। अरे भाई अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई कहाँ पहुँचाएगा मेरे को, भाई मार रहा भाई, मार रहा माही, मार रहा इधर आप बैठ क्या भाई, रोबोट वाला थेरी वैसे दिखने में काफ़ी कूल लग रहा है गाइस, दिखने में काफ़ी कूल लग रहा है। अबे काहे मार रहा है, अरे तेरे ससुर खाना आते, रुक जा, काहे मार रहा है भाई, किया किया, अबे रुक जाना भाई, हाँ बस बस कर पगले, हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो हो गया हो गया हो गया भाई, इसको नॉकआउट करने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया अपना। हाँ भाग रहा है, भाग रहा है, रुक जा रुक जा, मुझे ना गाइस कोई खतरनाक सा डायनो पकड़ना पड़ेगा जो ना इस भाई एनाकोंडा से ज़्यादा टॉरपोर दे, ठीक है। और ऐसा डायनो मयूरे को पता ही कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मैं जो है ना गाइज मैप पे थोड़ा सा रिसर्च सर्च करता हूँ, रिसर्च नहीं सर्च करता हूँ, ठीक है। वो डायनो जो है ना अवेलेबल है कि नहीं, बाकी तेरे को क्या चाहिए भाई, इंस्टेंट मिट का आ रहा भाई, भाई नवाबी शौक भाई, बोले तो इंस्टेंट मिट ही चाहिए इसको, ठीक है भाई देता हूँ, रुक भाई इंस्टेंट मिट बनने में भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा,
इंस्टेंट मेड, क्योंकि उसके लिए जो ना कैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा महंगा है यार वो भाई। ये तो सोचे ही होगा फिर, ये कितना 500 है क्या? 500 नहीं, 50 चाहिए होगा भाई। भाई 40 और बना ले, क्योंकि ये और ये 10 और वो 10 मिड कंबाइन करके ना भाई 40 ना 50 बना ले भाई, 50 ठीक है, 50 बना ले भाई। और उसके बाद ये 10 बनाना पड़ेगा, फिर जाके मैं एक इंस्टेंट मिड बना सकता हूँ भाई, ठीक है। इतना ज़्यादा महंगा है यार इंस्टेंट मिड। चलो कोई ना, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख लूँ, डोमिनोज वाला कहीं से यहाँ पे कोई डायनो है क्या भाई देखने? तो मुझे डोमिनोज रिजरेक्टेड इंडोमिनस रेक्स है, अल्फा इंडोमिनस रेक्स है ना। डोमिनोज मुझे गोरिला चाहिए था, गोरिला इंडोमिनस शार्क भाई, इंडोमिनस रेक्स गोरिला भाई, क्या बोलते उसको, गोरिला ही बोलते हैं ना कहीं डोमिनोज वाला, हाँ शायद से गोरिला बोलते। ये क्या चल रहा है इसके साथ? रुको मैं गोरिला सर्च करता हूँ, बट पहले तो कहीं से मिड बनने दो यहाँ पे, ठीक है। अरे मिड बनने में वैसे टाइम लग जाएगा वैसे भी बहुत ही ज़्यादा, तो अगर वो डोमिनोज वाला गोरिला अवेलेबल है तो उसको ही पकड़ के लेके आते गाइस। रुको गोरिला सर्च कर लेते गाइस इस बार, मे भी गोरिला सर्च करने से गाइस यहाँ पे आ जाए गोरिला भाई। ये रहा तो अच्छा, इंडोमिनस होता है, डोमिनस नहीं होता गाइस, ठीक है। इटर्नल इंडोमिनस गोरिला, ओके 800 लेवल ना। रुको ये गोरिला ना सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एक फटके में किसी को भी उड़ा सकता है। और एक और होता है वाइब्रन, ठीक है, वो वाइब्रन शायद से अल्फा फायर वाइब्रन क्या, पता नहीं, इटर्नल अल्फा वाइब्रन होगा कुछ तो। चलो कोई ना, ये गोरिला जो है ना गाइस इसको हम लोग पकड़ के लेके आते हैं। मिड बन गया क्या भाई? मिड बनने में तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अभी भी बन रहा होगा, बन रहा है गाइस मिड। रुको गाइस अभी एक काम कर लेता हूँ मैं, 10 बना लूँ ना ये भाई, 10 बना लेने मुझे भाई। एक बेस क्या, एक ही बन रहा है, काइकू काइकू बाबा। ओ ठीक है काम कर ले भाई, 20 बना ले यहाँ पे, 20 बनेगा भी नहीं लेकिन भाई डाल देता हूँ मैं, ताकि भाई यहाँ पे ये ले डन, 5 ही बन रहा है, कुछ तो गड़बड़े थे यहाँ, कोई तो चीज़ कम बढ़ रही है मेरे हिसाब से इसके लिए। और नहीं ये एक एक करके अल्लू अल्लू करके भाई चीज़ें खींच रहा भाई यहाँ पे, ठीक है भाई। जैसे वो बन रहा अल्फा मिड चाहिए क्या? अल्फा मिड तो है पड़ा हुआ भाई, क्या बात कर रहा है, तो अल्फा मिड चाहिए, ये ले भाई। हाँ 10 बन गया ये, उसके बाद अभी ये बना सकता हूँ, इनको बनने दो तब तक गाइस मैं गोरिला को पकड़ के लेके आता हूँ। बताइए जी गोरिला की लोकेशन कहाँ पे भाई? 30-36 लोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लग रही है, वो आइस बैम पे लोकेशन है गाइस, ठीक है। चलो फटाफट से गाइस आप भी चलते आइस बैम पे। और गाइस वैसे आज मैं सोच रहा था कि हम लोग भाई डिमोनिक या फिर सिलेस्टियल डायनो को पकड़ेंगे, बट कोई ना, चलो आज ना खतरनाक से टॉर्पोर देने वाले डायनोज को पकड़ते हैं। मेरे पास है टॉर्पोर देने वाले डायनो, बट उनका टॉर्पोर उतना ज़्यादा नहीं जा रहा है, मुझे एकदम तगड़ा वाला टॉर्पोर देने वाले डायनो चाहिए। एनाकोंडा है गाइस, लेकिन एनाकोंडा के कैसे अगर मैं डैमेज बढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, इसलिए हम लोग ये गोरिला को पकड़ेंगे। ये गोरिला का टॉर्पोर जो है ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला जाता है यहाँ पे, ठीक है। आइस बैम पे कहीं पे पता नहीं एग्जैक्ट लोकेशन, तो 30-36 मे बी सही जा रहा हूँ क्या शायद? हाँ सही तो जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। बस आगे बढ़ते जाना है, 36 पे पहुँच पहले भाई, आइस बैम पे यहाँ बस और आगे नहीं, और यहाँ से सीधा गाइस आगे बढ़ते जाना है भाई। ये नीचे आ गुफा में ना हो ऐसे बोलने वाला था, लेकिन ये दिख गया गाइस, ये रहा हमारा डोमिनस वाला गोरिला। अरे यार भाई ये क्या चीज, वो ड्यूडोन, हेलो अंकल, ड्यूडोन अंकल है गाइस उधर भाई, ड्यूडोन अंकल है, लग गए क्या मेरे पास ही आ रहा है क्या? ओए ओए गोरिला, कम टू डैडी गोरिला, कम टू डैडी, कम हियर डोंट टाइम टू फियर। अरे 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 मैं पीछे उड़ा रहा है तेरे पैसे यार। अरे 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 बैस रुक जा भाई, अरे बस कर भाई, हाँ बस अटक गया भाई, अटक गया, अभी भाग रहा है कैसे, अभी भाग रहे, तुम दबा के भाग रहे, तुम पिछवाड़े पे काटता हूँ। अरे बेहोश हो गया भाई, पर ना इसके पिछवाड़े पे जो ना कि बाइट करने वाला था मैं। चलो अभी फटाफट से इस घर पे चलते हैं, और इसके लिए मुझे एक और भाई इंस्टेंट मिड बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये इंस्टेंट मिड जो ना फ्री में मिलेंगे हम लोग को, बट बॉस फाइट करने पड़ेंगे, क्या बोलते हो गाइस? बॉस फाइट करने लायक डायनो कोई है अपने पास? मुझे डिमोनिक है थोड़ी पकड़ना है, उसके बाद मैं बॉस फाइट कर लूंगा, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 13 बन गया ना, एक काम कर ले मिड भाई, 2 और बना ले भाई, ये वाला मिड जो है ना भाई 2 और बना ले भाई, 2 खाली 2 और बना ले,
उसके बाद भाई हम लोग इसको भाई एक बना लेंगे, ये एक बना ले और एक्स्ट्रा, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा और बनेगा, ये यहाँ पे उठाने दो, ठीक है, और ये एक मिनट चाहिए ना, हाँ भाई एक मिनट मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को, इंस्टेंट मीट बनाने के लिए डाल देता हूँ। इससे मैं थेरिजेनो सोलस को डेम करूँगा गाइस, ठीक है, रोबोट वाला जो नीचे बेहोश हमने करके रखा है उसको करेंगे, ठीक है। चलो अभी लास्ट लोकेशन पे चल के गोरिल्ला को लेके आते हैं, और अगर गाइस हमारे पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है तो हम लोग गोरिल्ला का जो ना गाइस इवोल्यूशन भी कर डालेंगे आज। ओके गाइस, हियर वी गो, इसके अंदर ये दिख रहे हो इवोल्यूशन अभी से दिख रहे भाई, ठीक है ये ले, अरे हो गया भाई, ये टेबल पर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ऐसे ही डेम हो गया, क्या मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ क्यों? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं बैठ से भाई, क्यों नहीं बैठ सकता। ये देखो गाइस हमारा खतरनाक सा गोरिल्ला, इंडोमिनस गोरिल्ला, और ये गोरिल्ला से हम लोग को कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे इस गोरिल्ला का जो ना पॉइजन वाला कहाँ पे है भाई, लाइटनिंग, ये वाला जो पॉइजन गोरिल्ला वाला इवोल्यूशन है ना गाइस, ये इवोल्यूशन चाहिए, ठीक है, और ये इवोल्यूशन जो है ना गाइस ये निकालने के लिए मुझे इंडोमिनस टोकन चाहिए होंगे, जो मेरे पास अभी दो ही पड़े, एक्चुअली मैं 25 चाहिए। इनका जुगाड़ कहाँ से करेंगे सब बताता हूँ गाइस, रुको जरा सबर करो, घर पे चलने दो, हम लोग को आज के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है गाइस, ठीक है। चलो हमारे पास गोरिल्ला आ चुका है, और इस गोरिल्ला का जो है ना गाइस हम लोग कोई इस्तेमाल सही करने नहीं वाले, क्योंकि हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, इसका जो इवॉल्व फॉर्म होगा उसकी ज़रूरत है हम लोग को। मुझे यहाँ से भाई फटाफट से निकालने दो ये इंस्टेंट मीट, और चल के गाइस अभी फटाफट से टेम कर लेते गाइस जो रोबोट वाला थ्योरी, और थ्योरी का भाई सैडल भी ले ले, मैं नीचे ही देखूंगा कि रोबोट वाला थ्योरी किस काम आता है अपने थेरिजिनोसोरस का सैडल, ये रहा भाई अपने थ्योरी का सैडल। ओके थ्योरी के अलग अलग स्किन है गाइज, पॉइजन थ्योरी कॉस्ट्यूम कूल लगेगा ना, पॉइजन थ्योरी, रुको गाइज उसको पॉइजन थ्योरी वाला कॉस्ट्यूम पहनाऊंगा, ऐसे रोबोट वाला लुक भी उसका काफ़ी बढ़िया ही लग रहा है, बट स्टिल फिर भी चलो आ जाओ, लेट्स गो गाइस। अपने पास एक रोबोट वाला थ्योरी और एक खतरनाक सा बड़ा सा गोरिल्ला आ चुका है गाइस, इस बात पे एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो कर दो यार फटाफट से गाइस, फ्री है भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर देना फटाफट से गाइस, ठीक है। वो आ गए यहाँ पे रोबोट वाला हमारा थ्योरी, उसके अंदर मैं मीट डाल देता हूँ और फटाफट टेम करता हूँ। मुझे लग रहा है गाइस ये ना मुझे काफ़ी सारे अलग अलग रिसोर्स इकट्ठा करके पक्का 100% देगा, ठीक है। ये देखना भाई रोबोट थेरिजिनोसोरस, जिसके अंदर इंस्टेंट मीट डालते तुरंत ही डैम, उसके बाद तुरंत ही इसको सैडल भी पहना देंगे और कॉस्ट्यूम भी पहनाएंगे, और रे बाप रे चमक रहा है गाइस, ये वाला कॉस्ट्यूम पहन के तो फुल चमक रहा है गाइस, ये हमारे वाइट वाइट लुक उतना कूल नहीं लगा मुझे, निकाल दे भाई, ये वाला बढ़िया है गाइस, ये देखो गाइस ये रामारा रोबोट वाला थ्योरी, इसका पूरा लुक जो है ना गाइस वो रोबोट वाला है, इसके बड़े बड़े से नाखून है गाइस यहाँ पे, और नॉर्मली थेरिजिनोसोरस जो भी सारे अटैक करता है वही अटैक कर रहा है गाइस, ठीक है, नॉर्मल थ्योरी वाले अटैक कर रहा है, कोई डिफरेंट अटैक्स इसके पास नहीं है। बट मुझे ये बता कि तुम कुछ जमा करके, अरे भाई चोमो है ये तो, इवोल्यूशन है क्या भाई तेरे, नहीं यार ये तो डटती है गाइस, ये किसी काम का नहीं है अपने भाई, इसका क्या अचार डालूंगा मैं, मुझे लगा भाई कुछ ऐसा रिसोर्स विसोर्स देगा, क्योंकि यहाँ पे इस वाले मोड में ना जो हम लोग खेल रहे इसमें ऐसे डायनोस है जो हम लोग को अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे सकते हैं, तो मुझे लगा ऐसे कुछ रिसोर्स वगैरह देगा, बट तो नल्ला निकला। अरे भेज का बेरीज भी इकट्ठा, हाँ बेरी तो कर रहा है एटलीस्ट इकट्ठा, चलो एटलीस्ट बेरीज तो इकट्ठा कर रहा है। चलो हम लोग कहीं जो फीडिंग पॉट जो लगाने वाले थे उसमें बेरीज डालनी थी ना, बेरीज यहाँ से आ जाएंगी गाइस, चलो लेट्स गो करने दो भाई इकट्ठा, बड़े ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर रहा है यार, काफ़ी कम कम बेरीज इकट्ठा कर रहा है ये, हम इसका इस्तेमाल जो है ना गाइस हम लोग कर सकते हैं एक ही काम में, एंड वो काम है गाइस यहाँ पे फाइबर कलेक्टिंग, ठीक है, और किसी काम नहीं आएगा। ये गाइस रुको, हम पहले मैं देखता हूँ कि इसका डैमेज कितना जा रहा है, इतने जल्दी जज नहीं करने का किसी को, ठीक है, डैमेज कितना जा रहा है देखता हूँ। ये क्या देगा भाई, तू क्या देगा मेरे को, टेक रिसोर्सेस, कौन से रिसोर्स वाला बग्गा है, इटर्नल ब्लड बग है क्या भाई, इससे नॉकआउट होगा, रुको देखने को, ना इससे इसको टॉर्पोर नहीं चढ़ रहा, ये वाले सांप के भाई टॉर्पोर से इम्यून है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग फटाफट से पहले यहाँ पे इसका डैमेज देख लेते हैं भाई, ठीक है, कितना जा रहा है, 5 लाख, उतना ज़्यादा नहीं जा रहा है, अल्फा कार क्यों से भाई ऊपर, ठीक है भाई
अल्फा कार्सिनोज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, उतना खास कुछ डैमेज जो है ना अपने थेरी का नहीं जा रहा है। 4 लाख से लेके 5 लाख तक समथिंग कुछ डैमेज जा रहा है, जो कि उतना ज्यादा ओपी नहीं है। ठीक है, इसको क्राइव कर लेते हैं। वैसे भाई दिखने में काफी बढ़िया था ये थेरी, बट हमारे किसी काम का नहीं है गाइस। ठीक है, चलो आ जाओ, बारिश आने वाली लग रहा है। चलो अब इसको मैं क्राइव कर लेता हूँ फटाफट से। एंड मुझे जो है ना गाइस, रुको, बारिश भाई यहाँ पे चलते रहने दो, मुझे यहाँ पे बेरीज इकट्ठा करनी है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ताकि मैं जो है ना गाइस फीडिंग पॉड जो है ना गाइस अपना, क्या हुआ भाई, भाई ये तो 80-80 बेरी इकट्ठा कर रहा है, एटलीस्ट वो तो ज्यादा कर रहा था थेरी, भाई थेरी इससे ज्यादा कर रहा था यार। ए भाई थेरी को निकाल दे भाई, थेरी इससे ज्यादा भाई यहाँ पे बेरीज इकट्ठा कर रहा था। रुको भाई, कहाँ पे मेरा थेरी, ये रहा गाइस अपना थेरी जिनोसोरस। ऑलराइट, चलो आ जाओ, लेट्स गो बॉयज। भाई इसे बेरीज इकट्ठा कर लेता हूँ, खास कौन सा वाला बटन था, तो फाइबर वाला है ना, ये वाला, ये वाले बटन से। ठीक है, लेट्स गो बॉयज, फटाफट से यहाँ पे लगभग 10-20,000 बेरीज जो है ना गाइस वो इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद जाके ना फीडर लगाएंगे, देन उसके बाद गोरिला जो है ना गाइस हमारा, वो गोरिला को हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट बॉयज, लेट्स गो। कितनी बेरीज हो चुके, 5,000 भाई, कम से कम 10,000 तो बेरीज मुझे भाई चाहिए यहाँ पे, कम से कम 10,000 बेरीज। यार बारिश भी अभी आनी थी क्या, बारिश आती पूरा अंधेरा अंधेरा छा जाता है। 6,000 बेरीज हो चुकी है, 10,000 लेके जाऊंगा ताकि 5,000 जो है ना गाइस वो डाल सकूँ मैं। ओके, ये लो 8,000 टोटल बेरीज जो है ना गाइस वो हो चुकी है। 9,000 डन। चलो गाइस अभी फटाफट से घर पे चलते हैं, फीडर लगाते हैं, उसके बाद बारिश जाने का इंतजार करते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं क्या करना। मुझे टोकन वाला एक जगबग भी चाहिए होगा, ठीक है उसको भी पकड़ लेंगे आज। रुको भाई इधर आ, मुझे पहले बेरी दे दे सारी, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे, मीट है क्या मेरे पास, मीट तो ज़्यादा नहीं है, इसमें शायद से मीट हो सकता है। हाँ इसमें मीट तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है यार, तो कोई मीट निकाल लेता हूँ मैं। ऑलराइट, चलो आ जाओ, अब ये फीडर के अंदर डाल देंगे ताकि हमारे जो डायनोज है वो बिल्कुल भी भूखे ना रहे यहाँ पर। खा लो भाई, तूस लो बेच के, खा लो, ये लो खा लो भाई, खा लिया ना, हाँ खा तो रहे। मेजोबेरी कहाँ पे भाई, बेरीज मेजोबेरी कहाँ पे, 800 ही मेजोबेरी टोटल। रुको यहाँ से मेजोबेरी उठाई नहीं मैंने, हाँ ये रही, चलो आ जाओ यहाँ पे एक फीडर लगाएंगे ताकि हमारे घर के ऊपर जो डायनोज है ना, मीट डाल दिया क्या देखने दो एक बार। ओके, मीट और बेरी दोनों डाल दिए, अभी जो ना कि एक फीडर यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि इस तरफ जो डायनोज होंगे ना उनको भी थोड़ा सा खाना पानी चाहिए होगा ना, सो यहाँ पे एक फीडर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, ये रहा अपना फीडर, वो लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे मीट, एंड उसके बाद गाइस रुको, मीट डालने दो, एंड उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे बेरीज। ओके, बेरीज ये वाली सारी बेरीज यहाँ पे। ठीक है, लेट्स गो बॉयज, तो अभी गाइस बारिश जाने दो, उसके बाद गोरिला का क्या करना है ना वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। ठीक है, और गोरिला क्या क्या कर सकता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। A few moments later, बारिश गाइज यहाँ पे जा चुकी है और टाइम आ चुका है अभी गोरिला जो हमारा है ना गाइज उसके जलवे देखने का। कहाँ पे गाइज, ये रहा हमारा इटर्नल इंडोमिनस गोरिला गाइज। ठीक है, ये गोरिला जो ना गाइज दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लगता है, आप लुक तो इसका देख ही सकते हो भाई साहब, इसके जो गाइस फीदर है ना वो शाइन कर रहे हैं भाई, यहाँ पे काफी खतरनाक लग रहा है ना। इसके पास गाइस नॉर्मली भाई इसने हक दिया भाई, इसने यहाँ पे बुक्का मारा, वो भाई जिराब की फड़ के उसने हक दिया भाई, पीछे देख रहे हो, इसके पास यहाँ पे बुक्के वाला अटैक है, लावा बॉम्ब नेचर में लावा का पत्थर फेंकने वाले का अटैक है, वो करके चिल्लाने वाला अटैक है बस, और गोल गोल रिंगा रोजेस घूमने वाला अटैक है, बाकी और कोई अटैक नहीं है। और मैं इसको फटाफट से जो ना गाइस मैक्स लेवल भी कर देता हूँ। ठीक है, और इस गोरिला का जो ना गाइस डैमेज कितना भी चला जाए हम लोग को उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को जो ना गाइस इसका बस खाली यहाँ पे इवोल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है, रुको ये फटाफट से, ऑलराइट यहाँ पे डालने दो, एंड
4 लाख का डैमेज जा रहा है इसका, ठीक है, ऑल राइट, 4 लाख डैमेज जा रहा है गाइस। ये जग बॉक्स को मैं कैसे नॉकआउट कर सकता हूँ ना, ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा, बताएं, क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ने वाली है मुझे। मैं इसे भी नॉकआउट नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए गिव्स प्राइम ब्लड व्हेन यू टेक द रिसोर्स, नॉर्मल केओ इटर्नल बेरी, टेम एज ए नॉर्मल केओ टेम, और रिक्वायर्ड प्राइम ट्रायंग एरोज, मुझे प्राइम ट्रायंग एरोज चाहिए होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गाइस, रुको, ए ओरिजिन ट्रायंग एरोज वर्क करेगी इसके ऊपर? अगर करेगी तो अच्छी बात है, करेगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। रुको, लेट मी चेक, ओरिजिन ट्रायंग एरोज वर्क कर रही है, वो काफ़ी बढ़िया गाइस, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया गाइस। चलो ऑल राइट, उसको बेहोश होने दो, उसको फटाफट से, भाई यार उसको टेम करने के लिए ये मत बोलना इंस्टेंट मीट चाहिए। हाँ, अरे यार भाई इंस्टेंट मीट बनाने में पता है भाई तुम्हारी बेसिक कितना ज़्यादा जो है ना बैंड बच जाती है। चलो उसको बेहोश रहने दो, उसको जो है ना कि हम लोग टेम कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। पहले गोरिल्ला की पावर देखते हैं, पहले तो गाइस गोरिल्ला के मैं फटाफट से मैक्स लेवल अप कर देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, ओ वो बेहोश भी हो गया है, ठीक है। बट गाइस इंस्टेंट मीट बनाने में जो है ना गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो इसलिए अभी फिलहाल के लिए गोरिल्ला की पावर देखते हैं, उसके बाद ही उसको टेम करेंगे हम लोग। ऑलराइट बॉयज, लेट्स गो। ओके, क्या कर रहा भाई, नॉर्मली है यार, इसके पास भी कोई स्पेशल अटैक नहीं है, नॉर्मली है, देखो बस नॉर्मल डैमेज जा रहा है गाइस, कोई स्पेशल भाई अटैक इसके पास नहीं। हाँ, एक पत्थर वाला अटैक है जो कि यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पेशल लग रहा है, जो कि ये अटैक है उसका डैमेज भी कितना गया भाई, 0 डैमेज भाई, हेलो 30,000 का इसका डैमेज है, ठीक है। और जो रिंगा रिंगा रोजेस वाला, ये चिल्लाने वाला अटैक से क्या होता है भाई, रिंगा रिंगा रोजेस वाला अटैक जो है इसका 6 लाख का डैमेज जा रहा है, ठीक है। मतलब एकदम डैमेज तगड़ा वाला जा रहा है, ऐसा कुछ भाई सीन नहीं है, नॉर्मली डैमेज जा रहा है, जितना जो ना गाइस नॉर्मल डायनो का जा रहा है, ठीक है, 5 लाख 6 लाख सही है। और गाइस ये गोरिल्ला के मैंने आपको सारे अटैक दिखा दिए, मुझे भाई इस गोरिल्ला से कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि इतना लो डैमेज देने वाला गोरिल्ला मेरे किसी भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। बट अभी जो ना गाइस मुझे इसका इवोल्यूशन निकालना है ना, तो थोड़े से बक्स को पकड़ना पड़ेगा, ऑल राइट, और वही काम हम लोग अभी करने वाले। बट बक्स को पकड़ने के लिए सबसे पहले भाई एक ही को पकड़ लूँ मैं भाई, ठीक है। पहले तो मैं एक बक को यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे का सीन। ओके रुको, मुझे सबसे पहले तो बग्स को अगर पकड़ना है तो कम से कम भी ये वाला जो मिड है भाई 100 बनाना पड़ेगा भाई। इसके लिए मेजो द बेरी द शेरी, क्या कम पड़ रहा है सच में भाई तेरे को भाई, एक 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 डाल दे, रॉ प्राइम मिड अल्फा मिड, अबे वो नहीं भाई, ये वाला 100 भाई, रॉ प्राइम मिड कम पड़ रहा है, रुक जाओ, इसको रॉ प्राइम मिड डाल देता हूँ मैं, कम से कम भाई 200 बना ले, मैं तो बोल रहा हूँ भाई 200 बना ले भाई, भाई 300 बन रहा है, चलो अच्छी बात है भाई, 300 बन रहा है टोटल, ये 300 बनने दो, ये 300 बनेगा, उसके बाद ये मैं बनाऊंगा, और ये बनने के बाद गाइस हम लोग इंस्टेंट मीट बनाएंगे। और ये 300 मीट बनने में लगेगा बहुत ही ज़्यादा टाइम गाइस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इतने ज़्यादा जल्दी जो ना गाइस ये मीट बनने नहीं वाला है। चलो कोई सीन नहीं है, स्टोरेज रूम अपना ऊपर है, उसमें जो ना गाइस जो फालतू की चीज़ें हैं वो मैं फटाफट से स्टोर करके रख देता हूँ। ऑलराइट बॉयज, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारा वुड वगैरह जो दूसरे चीज़ें ना गाइस वो यहाँ पे पड़ी हुई है, और मैंने थोड़े से आर्टिफैक्ट जो है गाइस वो भी ऑफलाइन में यहाँ पे हार्वेस्ट करे हैं, फार्म करे हैं। बट हम लोग जो है ना गाइस बॉस फाइट अभी लेने नहीं वाले, मैं अगले एपिसोड में क्या करूँगा बताया गाइस, हमारा जो गोरिल्ला है ना गाइस बड़ा सा मंकी, इसका मैं पहले इवोल्यूशन निकाल लूँगा, अगले एपिसोड में सीधा इवोल्यूशन निकालूंगा, एंड उसके बाद वाले एपिसोड में पहले जाके गाइस मैं यहाँ पे डिमोनिक या सिलेस्टियल वाला खतरनाक सा डायनो जो है ना गाइस वो टेम करूँगा, ठीक है। रुको, मुझे यहाँ पे फालतू का जो सामान है वो इसके अंदर डालने दो, और मुझे इतना भी पता है गाइस कि इसमें ना एक भाई खतरनाक सा डायनो होता है जो कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे सकता है, ठीक है। वो डायनो कौन सा है ना गाइस वो मुझे ढूंढना है, वो अगर डायनो मुझे मिल गया ना तो मुझे अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो है ना गाइस वो यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑलराइट, और उसकी मदद से हम लोग जो भी चीज़ बनाना चाहिए वो बना सकते हैं इजीली। बाकी तो अभी फिलहाल के लिए वो जगबग जो बेहोश करा है उसको तो मैं भाई अभी टेम नहीं कर सकता क्योंकि मीट यहाँ पे बन रहा है। बट एक काम कर सकता हूँ, मेरे को
मुझे जो है ना गाइज वो नारकोटिक पड़ी हुई है क्या? तो फिर एरो बनाने ला भाई, रुको भाई एरो बनाने दो ओरिजिन वाली, क्योंकि उसकी ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। ओ ओरिजिन वाला नारकोटिक नहीं है क्या ये? अब मुझे लगा ओरिजिन वाला नारकोटिक है भाई, रुको यहाँ पे नारकोटिक है ब्लू वाला, चार ही है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, चार ही बना ले, चार बना ले भाई। कितना बन गया? सात बन गया ना, ठीक है। मैं ओरिजिन वाली सात एरो भी बना लेता हूँ, क्योंकि गाइस आने वाले एपिसोड्स में मुझे काफ़ी सारे बग्स जो है ना गाइस वो पकड़ने हैं, और उन बग्स को पकड़ने के लिए जो ना गाइस यही एरो काम आएगी, क्योंकि दूसरे जो गाइस पॉइजनस क्रीचर है अपना एनाकोंडा भी उन बग्स के ऊपर जो है ना गाइस वर्क नहीं करता है। इन्हीं एरोज की मदद से हम लोग जो ना गाइस उनको यहाँ पे बेहोश कर सकते हैं। बाकी तो आज हम लोग ने जो ना गाइस दो डायनो टेम करे, वैसे दोनों डायनो किसी काम के नहीं है, बट ये गोरिल्ला जो ना गाइस फ्यूचर में जाके हम लोग इवॉल्व करेंगे तब एक नंबर बनेगा गाइस, ठीक है। और अगर मेरा भाई मन करा ना तो इसके मैं तीन इवोल्यूशन है, तीनों के तीनों इवोल्यूशन अगले एपिसोड में निकाल दूंगा, बस रिसोर्सेज इनफ मिलने चाहिए, ठीक है। तो गाइस आज का ये हमारा गोरिल्ला और हमारा ये थ्यूरिजिनोसॉरस रोबोट वाला, गाइस पहली बार आपने देखा होगा गाइस ये रोबोट वाला जो थ्यूरिजिनोसॉरस है, दोनों डायनोस कैसे लगे जरूर से बता देना। गोरिल्ला के लिए ओपी नाम जरूर से नीचे कमेंट में लिख देना, क्योंकि थ्यूरी को हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करने वाले, ये भाई किसी काम का नहीं है। तो इस गोरिल्ला का जो इवोल्यूशन होगा ना पॉइजन वाला, उसके लिए ओपी वाले नाम नीचे कमेंट में जरूर से डाल देना। बाकी तो आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल का, वो हम लोग यहीं पे समाप्त कर देते हैं, द एंड कर देते हैं। मिलते सीधा के तब से भाई इसके खोपड़ी के ऊपर से सीधा गार्डन में एंट्री है, इसे देखना, हाय हाय लेट्स गो। सो गाइस आज का ये वाला जो एपिसोड है हम लोग फाइनली यहीं पे खत्म कर लेते हैं। मिलते सीधा के तब से अगले इवोल्यूशन गोरिल्ला इवोल्यूशन वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइज़।